हाँ तो भाई फाइनली बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से आया हूँ किसी हेडफोन के साथ। तो दोस्तों आज मेरे पास है यहाँ पे वन ऑडियो कंपनी की ओर से प्रो 50 हेडफोन्स। अभी ये जो हेडफोन्स है ये मोस्टली प्रोफेशनल साइड पर, जैसे कि आप एडिटिंग अगर करते हो, म्यूजिक में अगर आप हो, जैसे कि म्यूजिक प्रोडक्शन करते हो, या मॉनिटरिंग के लिए आपको भी चाहिए, रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए, तो आप इस पर्टिकुलर हेडफोन की ओर देख सकते हो। अभी ये जो है मैंने अमेजोन के ऊपर बाय किया है समवेयर अराउंड 3700। तो उस हिसाब से ये पर्टिकुलर हेडफोन वर्थ है या नहीं ये बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चैनल पर अगर आप नए हैं यहाँ पे लाइक का बटन मिल जाएगा और यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, दोनों पे क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जल्दी से अनबॉक्सिंग कर देते, वैसे मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर दिया था यहाँ पे क्योंकि कुछ दिनों से मैं इसे यूज कर रहा हूँ, बट कैसा रहता है पैकेजिंग का एक्सपीरियंस और क्या क्या मिलता है आपको बॉक्स में सारी चीजें दिखा देता हूँ। तो कुछ ब्लैक कलर के बॉक्स में आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा, यहाँ पे स्टूडियो प्रो है, बॉन फॉर डीजे दिया गया है, हाई रेज ऑडियो के साथ आता है, हेडफोन का इम्प्रिंट आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा और प्रो 50 यहाँ पे मॉडल नंबर आपको देखने मिल जाएगा। और यहाँ पे बैक साइड में कुछ नहीं, वन ऑडियो का यहाँ पे ब्रांडिंग है और बेसिक चीजें आपको यहाँ पे दी गई है, जैसे कि मॉडल नेम यहाँ पे दिया गया है, फ्रीक्वेंसी रेंज जो है यहाँ पे 20 से लेके 40 किलो हर्ट्स तक है तो वो दिया गया है, यहाँ पे स्पीकर 50mm के ड्राइवर के साथ आता है और बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे बैक साइड पे देखने मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप बॉक्स ओपन करते हो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पाउच मिल जाएगा जो आपको बॉक्स के साथ ही आता है और इसी तरीके से हेडफोन्स आपको मिलता है। तो जैसे ही मैं अगर इसे बाहर निकालता हूँ, ये थोड़ा सा लेदर टेक्सचर फील के साथ आता है, वन ऑडियो की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी ऊपर के साइड पे और इसके अंदर हेडफोन्स है। तो हेडफोन्स जो है आप कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे हेडफोन्स देखने मिल जाएंगे, जो कि आप देख सकते हो। तो फोल्डेबल डिजाइन के साथ आता है, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये पर्टिकुलर हेडफोन्स आपको देखने मिल जाएंगे। तो काफी अच्छा है, इसे फिलहाल के लिए रख देते हैं साइड में। इसके अलावा आपको बॉक्स के अंदर यहाँ मिल जाते हैं ये दो केबल्स। अगर मैं केबल्स की बात करूँ तो केबल की क्वालिटी भी काफी अच्छी लगी मुझे। तो ये दो केबल्स आपको देखने मिल जाएंगे बॉक्स के अंदर, एक यहाँ पे 6.35 mm टू 3.5 mm की एक केबल मिल जाएगी जो कि यू नो स्पाइरल फॉर्म में आती है, तो ये ज्यादा अच्छी लगी मुझे। और ये जो है ब्लैक कलर वाली केबल, ये आपको 3.5 mm जैक टू 3.5 mm मिल जाएगी। इसके अंदर आपको माइक्रोफोन भी देखने मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इसे भी चेकआउट करेंगे। इसके अलावा आपको वन ऑडियो का यहाँ पे एक कार्ड मिल जाएगा जो कि सर्विस सेंटर डिटेल्स आपको इसके अंदर देखने मिल जाएंगे, वो आप चेकआउट कर सकते हो अगर आप बाय करते हो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। तो और कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, तो बेसिक डिटेल्स है, आपको अगर पढ़नी होगी तो आप पढ़ सकते हो। सारी चीजों को हटा देते हो, बढ़ते हैं हेडफोन की ओर। तो दोस्तों इस तरीके से आपको हेडफोन मिल जाएगा। सबसे पहले हेडफोन को यहाँ पे मैं जो है थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ, जैसे ये फोल्डेबल है। इसके रोटेशन की अगर मैं बात करूँ तो एक साइड पे ये कम्प्लीटली 90° रोटेशन के साथ आते हैं और दूसरे साइड पे जो है ये थोड़े से टिल्ट होते हैं, पूरे नहीं। तो यस, एक साइड पे आप पूरा 90° रोटेशन कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे अगर मैं बिल्ड की बात करूँ हेडफोन्स के, तो कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड के अंदर आता है, बट अगर आप इसे ओपन करते हो आपके साइज के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे अंदर आपको मेटल प्लेट जो है देखने मिल जाएगी, तो वो एक अच्छी चीज लगी। प्लास्टिक की क्वालिटी जो है मुझे यहाँ पे डिसेंट लगी, मैं ओवर द टॉप नहीं कहूंगा या फिर इतना स्टर्डी मुझे फील नहीं होता है, बट यहाँ पे फ्लेक्स की अगर मैं बात करूँ तो हेडफोन्स जो है यहाँ पे डेफिनेटली आप देख सकते हो बहुत ज्यादा फ्लेक्स है। तो फ्लेक्स में कोई भी प्रॉब्लम आपको इस पर्टिकुलर हेडफोन के साथ नहीं आएगा, अच्छा खासा फ्लेक्स आपको मिल जाएगा। हेडरेस्ट के ऊपर यहाँ पे आपको देख सकते हो थोड़ी सी कुशनिंग मिल जाएगी, जो इतनी ज्यादा नहीं है, बट यस कुशनिंग यहाँ पे मिल जाएगी। ऊपर के साइड पे आपको यहाँ पे वन ऑडियो की ब्रांडिंग देखने मिल जाएगी और साइड्स पे यहाँ पे आपको दोनों ईयर कप्स के वन ऑडियो की जो है यहाँ पे आपको लोगो मिल जाएगा। अब बात करूं इसके फिनिश की और टेक्सचर की, तो ईयर कप्स के ऊपर आपको ये प्लास्टिक बिल्ड ही आता है, बट ये थोड़ा सा रबरी साइड पे आपको लगेगा, हालांकि है ये प्लास्टिक ही, बट मैट रबर टाइप फिनिश में आपको मिलता है, काफी अच्छा टेक्सचर है, यहाँ पे सर्कुलर टेक्सचर आपको देखने मिल जाएगा और क्रोम फिनिश के साथ आता है, तो ये ईयर कप्स के ऊपर आपको क्रोम फिनिश देखने मिल जाएगी जो कि काफी फिंगरप्रिंट कैची है। यस, फिनिश यहाँ पे काफी अच्छी है, कहीं पे भी मुझे ऐसा कुछ यू नो अजीब नहीं लगा या फिर इम्प्रॉपर नहीं लगा, फिनिशिंग काफी अच्छी है, टेक्सचर काफी अच्छा है यहाँ पे और बिल्ड जो है जैसे मैंने बताया प्लास्टिक इतना ज्यादा स्टर्डी फील नहीं होता है, बट यस चीप प्लास्टिक डेफिनेटली यहाँ पे आपको फील नहीं होगा। बात करूँ इसके लेफ्ट एंड राइट मार्किंग की, तो वो थोड़ा सा मुझे ऑड लगा है इस पर्टिकुलर हेडफोन के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे अंदर के साइड पे LLL की यहाँ पे जो है मार्किंग है, वही पे यहाँ पे दूसरे साइड पे RRR की मार्किंग है। RRR ये मूवी की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे मार्किंग की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसके रोटेशन की और टिल्ट की बात करूँ, तो ईयर कप्स जो है
ये कम्प्लीटली 180 डिग्री यहाँ पे टिल्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक काफी अच्छी चीज है, अगर आप डीजेइंग में हो या फिर आप म्यूजिक प्रोडक्शन में हो तो ये डेफिनेटली आपको काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। बाकी बात करते हैं अभी इसके बाकी कुशनिंग की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ईयर कप्स के ऊपर भली अच्छी खासी यहाँ पे कुशनिंग आपको देखने मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और ये काफी सॉफ्ट है टू बी ऑनेस्ट, मैंने जब इसे फर्स्ट टाइम यू नो अनबॉक्स किया था और मैंने जब फील किया था तो यस डेफिनेटली काफी ज्यादा सॉफ्ट है इसकी कुशनिंग, और आप बहुत समय तक अगर इसे पहनते भी हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं फेस होगा। वेट की अगर मैं इसके बात करूं तो समवेयर अराउंड 400 ग्राम्स इसका वेट है, तो अगर आप इसे आपके हेड के साइज के हिसाब से एडजस्ट करके पहनते भी हो तो इस कुशन की वजह से आपको डेफिनेटली वो स्ट्रेन फील नहीं होगा। और ये ईयर कप्स का जो साइज है या फिर मैं कह सकता हूँ ये जो कैविटी है यहाँ पे, ये प्रॉपरली आपके ईयर्स जो है इसके अंदर फिट हो जाते हैं, तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आती। और नॉइस कैंसलेशन तो डेफिनेटली इन सब में नहीं है, बट जो नॉइस आइसोलेशन है या फिर ऑडियो आइसोलेशन है वो काफी अच्छा हो जाता है, मतलब आपको प्रॉपरली स्नगली फिट हो जाता है ये, तो यस गिरने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा है नहीं। तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करना चाहूंगा। यहाँ पे आपको वन ऑडियो प्रो 50 के अंदर यहाँ पे 50 mm के ड्राइवर्स देखने मिल जाते हैं, और जो दो केबल आपने यहाँ पे देखी थी इस हेडफोन के साथ जो हमें मिलते हैं उसका एक्चुअली यूज है, और दोनों केबल एट अ टाइम आप यूज कर सकते हो। कैसे ये बता देता हूँ मैं आपको, अब देख सकते हो राइट साइड का जो यहाँ पे ईयर कप है यहाँ पे उसके नीचे आपको 3.5 mm का पोर्ट देखने मिल जाएगा, वहीं पे अगर आप लेफ्ट पोर्ट देखो तो यहाँ पे आपको 6.35 mm का पोर्ट देखने मिल जाएगा। और इनका यूज ये है कि आप दोनों में से केबल कोई भी यूज कर सकते हो, किसी भी साइड से यूज कर सकते हो, और दोनों केबल आप एट ए टाइम यूज कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों बात करना चाहूंगा मैं इस पर्टिकुलर हेडफोन के ऑडियो आउटपुट की, यू नो हेडफोन आपको बाय करने चाहिए या नहीं। तो देखो जिस प्राइस पॉइंट पे ये आते हैं उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली मैं आपको यू नो इस हेडफोन को रेकमेंड कर सकता हूं। अभी बेस की अगर मैं बात करूं तो बूस्टेड बेस इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे, बेस में जो है डेफिनेटली यहाँ पे पंचीनेस है, जितना आपको क्लियर बेस चाहिए वो आपको इसके अंदर देखने मिल जाएगा। बट अगर इन केस आपको बूस्टेड बेस पसंद है जो यूजुअली म्यूजिक लवर्स को पसंद होता है तो वो आपको इसके अंदर नहीं मिलेंगे। मिड्स और ट्रेबल्स की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली ये आपको काफी अच्छे देखने मिल जाएंगे इसके अंदर। मिक्सिंग अगर आप कर रहे हो, मास्टरिंग अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको यू नो एक एक इंस्ट्रूमेंट्स के आवाज जो है आपको यू नो प्रॉपरली चाहिए होते हैं, तो यस ये हेडफोन्स आप बेसिक मिक्सिंग के लिए यूज कर सकते हो, हाई एंड मिक्सिंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बट जो बेसिक यू नो कॉन्टेंट क्रिएशन का काम है जिसमें आप मॉनिटरिंग कर सकते हो, अगर आप वोकल्स रिकॉर्ड कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी आप इसे यूज कर सकते हो, तो काफी ज्यादा क्रिएटिव काम के लिए आप इस हेडफोन्स को यूज कर सकते हो। बट अगर कोई यू नो प्रॉपर म्यूजिक लवर कोई देख रहा है कि बूस्टेड एक्सपीरियंस के लिए आपको चाहिए, बूस्टेड साउंड्स आपको चाहिए, तो वो आपको इस हेडफोन के अंदर नहीं मिलेंगे। आपको इसमें मोस्टली ऐसे साउंड्स मिलेंगे जो माइक रिकॉर्ड करता है, आपको बूस्टेड साउंड डेफिनेटली इसके अंदर नहीं मिलेंगे। तो ओवरऑल मैं काफी खुश हूँ इस पर्टिकुलर हेडफोन से और मैं जरूर रेकमेंड करना चाहूंगा इस पर्टिकुलर हेडफोन को। बात करता हूँ इसके साथ जो केबल आती है यहाँ पे, इसके अंदर आपको यहाँ पे माइक देखने मिल जाता है। तो इस माइक का आउटपुट कैसा है अगर आप यू नो कभी कॉल्स पे भी बात कर रहे हो किसी से वीडियो कॉल्स पे, तो इसका आउटपुट कैसा है ये आपको मैं अभी यहाँ पे जो है जल्दी से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर ऑडियो आप इस वीडियो में सुन रहे हो वो इस हेडफोन के माइक्रोफोन से जो कि यहाँ पे है, तो आप बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको इसका आउटपुट कैसा लगा। अभी माइक जो है मेरे यहाँ पे है और मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली इसका साउंड किस तरीके से आ रहा है, बट बहुत से लोगों को यहाँ पे साउंड टेस्ट सुनना होता है माइक्रोफोन का आवाज़ कैसा है हेडफोन के, तो आई गेस कुछ इस तरीके का आवाज़ जो है आपको इस हेडफोन के साथ इस इंटरनल माइक्रोफोन से देखने मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था इस पर्टिकुलर यू नो हेडफोन के माइक का टेस्ट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको कैसा लगा, क्योंकि मैंने भी टेस्टिंग अभी तक सुनी नहीं है, मैंने अभी जो है रिकॉर्डिंग के टाइम पे यहाँ पे माइक का यूज किया है। तो ओवरऑल अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूं शॉर्ट में, तो हर चीज तो मैंने पहले ऑलरेडी कवर कर दी है तो वही चीज मैं रिपीट नहीं करूंगा। आपको एक प्रॉपर हेडफोन चाहिए जो मॉनिटरिंग में आपकी हेल्प कर सके, म्यूजिक के लिए आप म्यूजिक प्रोडक्शन में हो तो उसके लिए हेल्प कर सके, या एडिटिंग में अगर आप हो तो एडिटिंग के हिसाब से आपको चाहिए, तो डेफिनेटली ये हेडफोन्स आप बाय कर सकते हो, क्योंकि आपको दो केबल इसके अंदर मिल जाते हैं जो कि काफी हेल्पफुल होने वाली है। डीजेइंग में अगर आप हो तो डेफिनेटली नो डाउट आपको ये हेडफोन काफी अच्छे साबित होने वाले, अच्छे हेल्पफुल और काफी काम की चीज होने वाली है। लिंक जो है मैं नीचे यहाँ पे देने की कोशिश कर दूंगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो अपने लिए कि प्रोडक्ट आपको बाय करना हो। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी है, तो यहाँ पे लाइक का बटन है, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, दोनों पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।